आप ही हो, आइए अंदर आ जाइए। थैंक यू। प्लीज बैठिए। हाँ आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? अरे नहीं नहीं नहीं, फिलहाल पानी ठीक है। नहीं ऐसे कैसे, कुछ तो लेना होगा आपको। ठीक है, टी विल डू फॉर मी। गुड। राजू। हाँ साहब। पानी लेकर आना, और हाँ साहब के लिए चाय और मेरे लिए ब्लैक कॉफी। ये पूरा इंटीरियर मेरे बेटे ने बनवाया था, सब चीजें उसी की चॉइस की हैं। अब जब वो ही नहीं रहा तो ये सब पूरा घर जैसे खाने के लिए दौड़ता है। घर के हर कोने में, हर चीज में उसकी यादें हैं। बॉर्डर पर जब से उसकी शहादत की बात सुनी है, तब से उसकी मां को जैसे सदमा सा लग गया है। अब इस घर में दम घुटता है। सोचा है अपने मजहब वाले को यह घर किराए पर दे दूं, अपनी बीवी को लेकर यहां से गांव चला जाऊं, शायद वहां पर उसका मन लगे। वहां पर वो जो सोसाइटी का जो फॉर्म आपने भरा था, उसमें गलती से शायद रिलीजन वाले कॉलम में आपने अपनी नेशनलिटी डाल दी है। वैसे आपका रिलीजन? सब पानी रख दो, आप पहले पानी लीजिए। थैंक यू। अगर आपका प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं आपका घर देख सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर। थैंक यू। आइए। अरे वाह, आपने तो घर में एक छोटा सा बारी खोल दिया है। बेटा फौज में था तो शौक रखता था। अच्छा, वैसे जहां तक मुझे मालूम है आप भी तो फौज से रिटायर्ड है ना? थोड़ा बहुत नशा तो आप भी करते ही होंगे। नशा अगर शराब में होता तो ये सारी बोतलें नशे में झूम उठती। नहीं, दरअसल दर्द हमारे सीने में दफन होता है और नशा दिमाग में। दारू तो जरिया है साहब, जो दोनों का आपस में मिलाती है। शेरो शेरी। हाँ, कभी आप कभी तो हमें हमारी बिरादरी वाले लगते हो। बिरादरी बिरादरी, जात धर्म, मुझे एक कहानी याद आई। क्यों ना घर देखते देखते मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? हाँ जरूर। चलिए चलिए। वैसे ये कहानी एक लावारिस बच्चे की है। बच्चा पैदा होते ही उसे कचरे के ढेर पर डाल दिया था मरने के लिए। लावारिस फिल्म के अमिताभ की तरह? हाँ, शायद वो बच्चा भी किसी के जवानी की भूल था, या दो अलग अलग मजहब वाले इंसानों की नाजायज पैदाइश था। वजह चाहे जो भी रही हो,
पर ये समाज उसे अपना नहीं सकता था, इसीलिए उस बच्चे को डाल दिया था कचरे के ढेर पर मरने के लिए। पर एक बूढ़ी औरत जो पेशे से नन थी, वो उस बच्चे को अपने साथ ले गई, उसे पाल पोस के बड़ा किया। अब जो कि वो पेशे से नन थी, तो जाहिर सी बात है बच्चे की परवरिश एक क्रिश्चियन धर्म के माहौल में हुई। नन बहुत बूढ़ी थी, बच्चा कुछ 14-15 साल का था, तो नन के गॉड ने उसे अपने पास बुला लिया और बच्चे को इसी समाज में ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया। दिन बीतते गए और साल कटते गए। वैसे ये स्पेस आपने काफी अच्छा यूज किया है। हाँ, ये भी मेरे बेटे ने ही बनवाया था। अच्छा ठीक है, देखते हैं। अच्छा फिर उस बच्चे का क्या हुआ? क्या होगा, आखिर में वो भी तो इंसान का बच्चा ही था। वैसे उसको ऊपर वाले गॉड की कोई जरूरत थी नहीं, उसको जरूरत थी तो इंसानों की, परिवार की, परिवार के प्यार की। धीरे धीरे वो जवान हुआ, कॉलेज गया। कॉलेज जाते ही उसे एक लड़की से प्यार हुआ। जिंदगी के सबसे हसीन और रंगीन पल उसने उस लड़की के साथ गुजारे। जैसे मानो उसको इस धरती पर जन्नत नसीब हुई हो। फिर आगे कुछ बात बनी या? बनी, पर इस कहानी में विलन की एंट्री होना बहुत जरूरी थी। धर्म के ठेकेदार यहां भी आ टपके। मतलब लड़की के रिश्तेदार। दरअसल लड़की मुसलमान थी और लड़की वालों का कहना साफ था, जब तक वो लड़का उनका मजहब यानी इस्लाम कबूल नहीं कर लेता, तब तक वो लड़की की शादी उस लड़के से होने नहीं देंगे। फिर क्या उस लड़के ने इस्लाम कबूल किया? अब मरता क्या नहीं करता। वैसे भी उस लड़के को धर्म में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो इस्लाम कबूल करना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। चलो अच्छा ही हुआ, लड़के का भला तो हुआ। जिंदगी अगर हम जैसा सोचे वैसा चलती तो कितना अच्छा होता। नहीं, मैं समझा नहीं। यही कि आपका बेटा आपको यूं इस आधी उम्र में ऐसे छोड़ के चला जाएगा, अगर यही बात आपको पहले से पता होती तो। पता? अगर मुझे जरा सा भी पता होता ना, तो मैं उसको जाने नहीं देता। मैं मर जाता, कुछ भी कर जाता। पर काश उस दिन मैं उसको जाने नहीं देता। मौत बड़ी जिद्दी होती है साहब, वो हर हाल में अपना काम पूरा कर देती है, चाहे आप अपने चाहने वाले के पास हो या ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या हुआ? पता नहीं, ये ऊपर वाला रब उस लड़की से इतना नाराज क्यों था। जिस लड़की से उसने दिलो जान से मोहब्बत की थी ना, उस लड़की को ही रब ने अपने पास बुला लिया। शादी के 2 साल बाद ही पता चला कि लड़की को ब्लड कैंसर है। वो लड़का दिन रात उसके बाजू में बैठा रहा, उसका हाथ हाथों में लिए। वो लड़की को खोना नहीं चाहता था, ना कि लड़की उससे दूर जाना चाहती थी। दोनों के इतने नजदीक होने के बावजूद मौत अपना काम कर गई, हमेशा की तरह फिर से एक बार
जिंदगी हार गई और मौत जीत गई। सर चाय। चाय लीजिए। आपकी कहानी बड़ी दिलचस्प है मगर मायूस करने वाली है। फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आगे क्या हुआ। उस लड़के का सपना था इंडियन आर्मी ज्वाइन करना। आर्मी से उसे लेटर भी आया था पर वो अंदर से इतना टूट चुका था कि उससे उभर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। एक दिन ऐसे ही पार्क में बैठा था तो एक सर मुंडा हुआ अंग्रेज सन्यासी उसके पास आया। उसने उसे किताब दी, भगवद गीता नाम था। उसने कहा कि इस किताब में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं। उसने किताब पढ़ी और सारी मायूसी छोड़कर उस अर्जुन की तरह फिर एक बार युद्ध के लिए खड़ा हो गया। सरहद पर गया सीना ताने दुश्मन के सामने। उस वक्त दो जंगें चल रही थी, एक उसके सीने में और दूसरी सरहद पर। पेट्रोलिंग करते वक्त गलती से दुश्मन मुल्क के सरहद में गया और दुश्मन के गोली का शिकार हुआ। तो क्या वो भी मेरे बेटे जैसा शहीद हो गया? नहीं, दरअसल वो आपके बेटे इतना खुश नसीब नहीं था। उसे और भी जुल्म सहने थे। वो बच गया पर दुश्मन के हत्थे चढ़ गया। 2 साल पाकिस्तान में उसके ऊपर बहुत से जुल्म हुए। जब वो रिहा हुआ तो वो अपने वतन वापस आया। अब खोने के लिए उसके पास कुछ था नहीं और जीने के लिए कोई मकसद नहीं था। उसने दोबारा आर्मी ज्वाइन कर ली। तो क्या वो दोबारा पाकिस्तान बॉर्डर पर गया? नहीं, उसके साथ जो हादसा हुआ था इसलिए उसे इंडो चाइना बॉर्डर पे भेज दिया गया। वहां पे उसने कुछ भिक्षु देखे। पूरे समाज से दूर जाके वो घंटों तपस्या करते, अपने आप में कुछ खोजने की कोशिश करते। कुछ ऐसी साधना या विद्या जिसके बारे में आपको और हमें नहीं पता। वो लड़का भी उनके ओर आकर्षित हुआ और वही साधना में लीन हुआ। आखिर में उसे वो मिला जिसकी तलाश उसको बरसों से थी। ऐसा क्या मिला उसे? उसे असली धर्म का पता चला। तो अब क्या वो बौद्ध बन गया? ये सारे धर्म तो इंसानों ने बनाए। असली धर्म तो मानवता है, इंसानियत। हर कोई धर्म उसका जिक्र करता है पर धर्म के ठेकेदार इंसानों को आपस में लड़ा के इंसानियत को नीलाम कर देते हैं। इसलिए मैं इंसानों ने बनाए वाले धर्म को नहीं मानता। अच्छा,
अब मैं समझ गया, ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि आपकी है। और आपने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर उस रिलीजन वाले कॉलम में लिखा था इंडियन। जी हाँ, ये कहानी मेरी ही है और इसी देश में मुझे इतने सारे धर्मों में जीने का मौका मिला। ये जात धर्म मजहब यही इस देश की असली खूबसूरती है, इसकी पहचान है। मुझे लगता है कि बाकी देशों की तुलना में इस देश में इंसानियत ज्यादा है, इसीलिए ये सारे धर्मों के लोग आपस में इतने प्यार से रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं एक इंडियन हूं। आई एम इन इंडिया।